हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन। उसके पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या है, कंपेयरिंग करना है आपको टू नंबर्स की। कंपेयरिंग ऑफ टू नंबर्स आर 7/8 एंड 6/5। कंपेयरिंग करने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे 7/8 और क्या लिखा हुआ 6/5, तो इस 5 का मल्टीप्लाई 7 में करना है और ये 8 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, तो 7/5 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई और 6 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 8 में करना है। तो 6 एट जा कितने हो गए आपके, 6 एट जा आपके हो जाए 8/6। अब इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 48, मतलब 35 लेस देन है और 48 कैसा नंबर है आपका ग्रेटर है। 48 नंबर ग्रेटर है मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर है आपका, ये वाला, मतलब ऊपर के नंबर से आपको चेक करना है, नीचे के नंबर से आपको चेक नहीं करना है। मतलब यहाँ 7 वाला नंबर ऊपर का माना जाएगा, 6 वाला नंबर भी ऊपर का माना जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर से चेक करना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है। तो ये 48 ग्रेटर आ रहा है, 48 ग्रेटर आ रहा है मतलब ये वाला आपका फैक्टर्स ग्रेटर आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 6/5, देयरफॉर आप लिखेंगे 7/8 लेस देन 6/5, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6/5 इज ग्रेटर, इस टाइप से भी आप इसको राइट कर सकते हैं कि 6/5 इज अ ग्रेटर नंबर। एक और क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, प्लस स्टार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको फिंगर लाइन से पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है स्टार लगा हुआ है और
करना पड़ेगा क्वेश्चंस कि हमको यहाँ पर क्या पुट करना है, स्टार के प्लेस पे क्या लिखेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको तो कैंसिल करते हैं तो 27/63 और 63 किसकी टेबल में आते हैं, 27 और 63 हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 27 और 63 ये आता है आपका 9 की टेबल में, 9 3 27 होते हैं और 9 से अगर कैंसिल कर, मैं साइड में आपको कैंसिल करके बता देती हूँ, ये दोनों नंबर 9 से कैंसिल हो रहे हैं, देखो आप 9 3 27 और 9 7 16। ठीक है, तो यहाँ 7 तो लिखा हुआ बट यहाँ 3 नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे रिप्लेस करके 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ओके, इस टाइप से आपको चेक करके बताना है। अब सेकंड वाले में आपका क्या लिखा हुआ देखिए आप, ये फर्स्ट था 41/18, यह स्टार बना दिया कि यहां पर क्या आएगा आपका, और ये 2 लिखा। अब आप देखो ये 41 और 82 कौन से नंबर से कैंसल हो सकते हैं, 41 और 82 तो 41 से 82 डायरेक्ट कैंसल हो रहा है, 41/82 है। ठीक है, 41 में 41 टूजा कितने होते हैं, 82, 41 मंजा 41, 41 टूजा 82, 42 वन जा 2, 2 4 जा 8, 41 से मैं से 41 का मल्टीप्लाई कर दो, आप 41 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 वन जा 2, 2 4 जा कितने आ रहे, 80 आ रहे, तो 41 मंजा 41, 41 टूजा 82, मतलब यहाँ क्या आ रहा है आपका 1/2, तो यहाँ 2 तो ऑलरेडी नहीं सी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा इस वाले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका 1, मतलब 2 तो ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ क्या आ गया 1, तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे 1 राइट करेंगे। तो इस टाइप से आप कैंसिल करके आप पता कर सकते हैं कि हमको यहाँ पर कौन सा नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो इसके जो रिमेनिंग सम है वो आपको करना है, 3 सम और दे रखे हैं वो भी इसी टाइप से हो जाएंगे। मतलब सुमन के पास 200 पेजेस के बुक के अंदर, तो उसने कितने रीड करे 50, ऐसी संगीता के पास 400 पेजेस के बुक में बट उसने कितने रीड करे 125, तो आपको पता करना है कि किसने ज्यादा बुक का पार्ट पढ़ा। यूं ओरली आपको देखने से पता नहीं चल रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बुक, पहले बुक का आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, बुक का क्या फाइंड करना है पहले आपको फ्रैक्शन, तो पहले अपन सुमन के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, सुमन का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 50 पेजेस पढ़े 50/200 कितना होगा 50/200, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 20 मतलब 1/4 पार्ट, कितना पार्ट पढ़ा उसने बुक का 1/4 पार्ट। और अगर संगीता की बात करते हैं हम तो संगीता ने कितना पार्ट पढ़ा उसमें देखिए आप, संगीता ने 125 पेजेस रीड करे, कितने रीड करे 125 रीड करे और टोटल कितने पेजेस थे 400। अब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये किससे कैंसिल होगा, 5 × 5 = 25 मतलब 5/16 पार्ट उसने कितना पार्ट पढ़ा, पर अभी भी हमको रेशो तो हमने फाइंड कर लिया, उन्होंने फ्रैक्शन बोला था फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बुक रीड दे, तो वो तो हमने फाइंड कर लिया, बट हु रीड लार्जर पार्ट ऑफ द बुक, तो लार्जर पार्ट करने के लिए हमको 1/4
फोर एंड फाइव अपॉन सिक्सटीन में कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वन में सिक्सटीन का मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसा मैंने बताया था वन मल्टीप्लाई सिक्सटीन किया तो कितना आएगा, सिक्सटीन आ जाएगा। एंड फाइव मल्टीप्लाई किसमें करा, फोर में करा, फाइव फोर का कितना आ गया, ट्वेंटी आ गया। अब आप देखो कौन सा ग्रेटर नंबर है, सिक्सटीन से ग्रेटर क्या है, ट्वेंटी। ट्वेंटी ग्रेटर है मतलब क्या ग्रेटर है, वन अपॉन फोर लेस देन है फाइव अपॉन सिक्सटीन ग्रेटर। फाइव अपॉन सिक्सटीन किसका पार्ट है, संगीता का पार्ट है। तो संगीता ने ज्यादा रीड करी हो, हू रीड लार्जर पार्ट ऑफ द बुक, तो आंसर क्या आ जाएगा, संगीता रीड लार्जर पार्ट ऑफ बुक। ओके, इज दैट क्लियर। मतलब करना वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि संगीता ने लार्जर पार्ट बुक का पढ़ा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लीना स्कोर 46 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स एंड टेस्ट एंड 48 मार्क्स आउट ऑफ 60 इन साइंस टेस्ट, इन विच टेस्ट योर परफॉर्मेंस वाज बेटर। मतलब किसमें उसका परफॉर्मेंस बेटर था ये फाइंड आउट करने के लिए एज इट इज ही करना है। पहले आपको क्या करना, मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन फाइंड करना है 46 अपॉन 50 से, फिर आपको साइंस का फ्रैक्शन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 48 अपॉन 60 से, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो नंबर ग्रेटर आएगा उसमें उसका बेटर परफॉर्मेंस था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आपको होमवर्क में करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राहुल एक्सरसाइज फॉर 2/5 ऑफ एन आवर एंड वेयर इज सेजल एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, टू एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम, तो किसने ज्यादा टाइम एक्सरसाइज करी। तो इसमें भी 2/5 और 3/4 में कंपेरिजन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर और फिफ्थ आपको होमवर्क में करना है। तो आपके ये क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं लॉन्ग आंसर टाइप आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स।